ओट्स जिसमें फाइबर की मात्रा भर भर के होती है, और आप इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, लंच में भी ले सकते हैं और डिनर में भी ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मसाला ओट्स की, जिसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप एकदम 10 मिनट में ही अपने लिए मसाला ओट्स बना करके तैयार कर सकते हैं। नमस्ते, मैं कृतिका स्वागत करती हूँ आपका अपने इस वीडियो में। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए, मसाला ओट्स बनाने की विधि बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा तेल ले लेना है, उसमें आप तड़का लगाइए जीरे का, आप राई का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप उसमें कटे हुए प्याज ऐड कर दीजिए। प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक आप पकने देंगे। अगर आप मिर्च खाना पसंद करते हैं, थोड़ा सा चटपटा खाना पसंद करते हैं, तो आप उसमें कटी हुई एक हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अपने प्याज को बीच बीच में चलाते रहिए ताकि वो जल ना जाएं, और साथ ही अपनी बाकी सब्जियां भी आप काट सकते हैं। आप चाहें तो चॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्याज और टमाटर को चॉप करने के लिए। इससे प्याज टमाटर बहुत ही बारीक कट के आते हैं और मेहनत भी बहुत कम हो जाती है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस चॉपर में ज़रूर से इन्वेस्ट कीजिए। ये एक मैनुअल चॉपर होता है और 150 से 200 के बीच में आपको ये मिल जाएगा। जैसे कि मैंने अपने टमाटर भी इसमें चॉप कर दिए हैं, और अब मैं अपनी शिमला मिर्च भी इसमें चॉप कर लूँगी। जब आपके प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच, और हल्दी को अच्छे से पका लेंगे ताकि हल्दी का कच्चापन खत्म हो जाए। आप चाहें तो मसाला ओट्स में घर पे पड़ी हुई कोई भी सब्जी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मटर, बीन्स, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, कुछ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और इसे बहुत ही पौष्टिक बना सकते हैं। तो जब आपकी हल्दी और प्याज अच्छे से भून गए हैं तो उसमें बाकी सब्जियों को ऐड कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे शिमला मिर्च को ऐड कर रही हूँ, तो शिमला मिर्च को भी अच्छे से पकने दूंगी, और उसके बाद इसे बीच बीच में चलाती रहूंगी ताकि हमारी प्याज और शिमला मिर्च और सारा मसाला जो है, हल्दी का टेस्ट जो है, हमारी शिमला मिर्च में आ जाए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में 7 ब्रेकफास्ट ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो आप उन्हें भी अपने ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं। जब आपकी शिमला मिर्च थोड़ी सी पक गई है तो उसके बाद आप थोड़े पिसे हुए मसाले ऐड कर सकते हैं, जैसे हल्का सा पिसा हुआ धनिया ऐड कर दीजिए, थोड़ी सी लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, और आप थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। एक बार जब आपका मसाला अच्छे से भून गया है तो उसमें आप कटे हुए टमाटर ऐड कर दीजिए, और टमाटर को अच्छे से मिक्स देने के बाद आप उसमें स्वादानुसार नमक को ऐड कर सकते हैं। अगर आपका छोटा चम्मच है तो आप 1.5 चम्मच नमक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके चम्मच का साइज नॉर्मल है तो आप 1 चम्मच का ही यूज़ करेंगे। नमक डालने से हमारे टमाटर अच्छे से गल जाते हैं और सब्जी भी अच्छे से पकने लगती है। एक अच्छा सा मिक्स देने के बाद आप अपनी सब्जियों को अच्छे से ढक के पका लेंगे और उन्हें सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। जब आपकी सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं तो आप उसमें 1 गिलास पानी को ऐड करेंगे। अगर नॉर्मल साइज का गिलास है तो आप 1 गिलास डाल सकते हैं, अगर आपका गिलास थोड़ा बड़ा है तो 1/2 से 1.25 गिलास ही आप ऐड कीजिए। उसके बाद आप अच्छे से मिक्स देने के बाद अपने पानी को ढक के उबालने के लिए छोड़ दीजिए। इससे आपकी सब्जियां भी अच्छे से पक जाएंगी और पानी भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। एक बार जब आपका पानी अच्छे से उबल गया है तो उसमें 1 छोटा कटोरी ओट्स को ऐड कर दीजिए। आप चाहें तो रोल्ड ओट्स को नॉर्मली भी ऐड कर सकते हैं, या आप उन्हें पहले से ही थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके डब्बे में पैक करके रख लीजिए, और जब भी आपको यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटी कटोरी ओट्स को ऐड कर दिया है और अच्छे से मेरी सब्जियां पक चुकी हैं। अब मैं ओट्स और सब्जियों को ढक के 5 मिनट के लिए पका लूंगी ताकि ओट्स में भी सारा मसालों का, सारी सब्जियों का टेस्ट अच्छे से आ जाए। इसके बाद इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ही एनहांस हो जाएगा और आपकी क्रेविंग को भी शांत कर देगा। ढक के थोड़ी देर पकाने के बाद आपके ओट्स रेडी हो जाएंगे और आप उनका मजा उठा सकते हैं। थैंक यू।